स्वामी जी, हर्निया के लिए तो कहा यह जाता है कि इसका इकलौता इलाज ऑपरेशन है, लेकिन आप ऑपरेशन की सलाह नहीं देते हैं, तो इसके पीछे आपका क्या तर्क है? पहला तर्क तो अनुभव है। मैंने सबसे पहले ही सूर्य प्रकाश जी और सरोज जी और दिनेश कुमार जी, तीन आपको एग्जाम्पल दिए। मैं रिसर्च, एविडेंस और एक्सपीरियंस के साथ कोई बात कहता हूँ। मुझे तो हर्निया हुआ नहीं था, मेरे माँ बाप को भी नहीं हुआ, ना जो है भाई इसके ऊपर अभी तक कोई किसी ने रिसर्च किया। सब यही कहते हैं ऑपरेशन कराओ। क्यों करवाओ भाई? अरे आंतों की झिल्ली नेट कमज़ोर होगी, यही तो हर्निया है। यदि उसको आप मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत सेंद्रासन जो कर सके इसको कर लो, आराम से कर लो। गोमुखासन अभी करवाएंगे, 10 आसन बता रहा हूँ, 5 भी कर लिए तो हम, मेरा एक ही तर्क है इसके पीछे कि मैंने लोगों का हर्निया ठीक किया है, यही उत्तर है मेरे पास। और मोटे अनाज खाओ, सिंपल सी बात है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडोप्ट करो, शंख प्रक्षालन कर लो, शंख प्रक्षालन, त्रिफला खा लो रात को और मिट्टी पट्टी लगा लो पेट के ऊपर। सिंपल सी बातें हैं। अब इतने से मैंने कहा था आज मैं 10 उपचार बताने वाला हूँ जी, और अंत में तो एक जूस भी बताने वाला हूँ और एक दलिया भी बताने वाला हूँ, वो तो अभी रहस्य रखेंगे, 8:30 बजे बताएंगे। अब अगला प्रश्न पूछ लो स्वामी जी। मैं ये जानना वही बात कहता हूँ जो रिसर्च, एविडेंस और एक्सपीरियंस बेस्ड है जी। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि कई लोग तो हर्निया होने के बाद भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी होती नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, तो ऐसा इन लोगों के साथ क्यों होता है, और अगर इस तरह के हालात बन जाते हैं तो इसे कैसे टैकल किया जाए? देखो एक ही कहला इसमें गड़बड़ होती है, आंत की झिल्ली, आंत की नेट, जाली, आम लोक भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि करोड़ों लोग इंडिया टीवी देखते हैं। आंत की जो नेट है वो कमज़ोर पड़ गई तो उससे आंत बाहर निकलने लगती है और उसको दबाओ तो अंदर चली जाती है, जो ज़्यादा बाहर निकलती है तो फिर आंत में पेन होने लगता है, वो असह्य वेदना होती है, इसलिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए पेट के ऊपर पट्टी बांध लें, थोड़ा ऐसी पट्टी बांध लें, पट्टी बांध करके और फिर योगाभ्यास कर लें। और इतनी हालत ख़राब हो जाती है फिर इसके बाद में और उपद्रव होते हैं, आंतें कमज़ोर होती हैं, फिर लीवर कमज़ोर होता है, फैटी लीवर होता है। उधर हमारा एक बच्चा बैठा हुआ, उसको तो खाना खाते ही बाहर निकलता था, खाना क्या होता था बेटा, क्या इसको हाइटस हर्निया बोलते हैं, खाना खाते ही बाहर निकलता था। फिर अब क्या हाल है बेटा? अब आराम है। क्या नाम है? नरेंद्र चौहान। ये ऊपर का हर्निया बोलते हैं, एक नीचे का हर्निया, देखो 3 हर्निया होते हैं, एक यहाँ पर हर्निया होता है ऊपर स्टोमक के पास, फिर एक आंतों में, एक आंत के निचले वाले हिस्से में, बड़ी आंत में, ये 3 जगह का हर्निया है, तीनों हर्निया ठीक होते हैं। खास बात ये है, अब ये बालक अच्छा हो रहा है। तेरे को क्या था? सांस के साथ खाना बाहर आता था। क्या नाम है? तुलसाराम चौधरी। तुलसाराम, आवाज आ रही है, थे राजस्थान? राजस्थान से हूँ सर, मैं योग शिक्षक भी हूँ और 2005 में आपने अजमेर कैंप लगाया, तब से मैं योग के प्रति, अब तो 15 साल से आप ठीक है ये, और 3 बार पतंजलि योगपीठ में आपसे प्रशिक्षण ले चुका हूं। अगले को देना, इसको फैटी लीवर है, ये फैटी लीवर वाले, ये बैठा फैटी लीवर, कब से था? मेरे को स्वामी जी 2002 में हुआ था फैटी लीवर। और 19 साल पहले? हाँ जी, 2002 में हुआ था, और उसके बाद मैंने 2008 में आपका ये योग है ये देखा, और टीवी में मैं उसको, क्या नाम है? मेरा नाम बलविंदर सिंह जी। अब क्या हाल है? मैं बिल्कुल सही है, 100% जी। 100% बिल्कुल जी। मैं 2014 में रिपोर्ट कराया था, 2014 में रिपोर्ट कराया था, उसमें नॉर्मल आया मेरा। तो यहाँ क्यों आया? मेरी पत्नी को पार्किंसन है। ओ, पत्नी को लेके आया। हाँ, चलो मैं बलविंदर के लिए जोरदार ताली बजा। फैटी लीवर ठीक कर लिया, 18 साल पुराना था। मेरा निवेदन है आप जी से, वो आपसे मिलना चाहती है, उसको भी मिल ले। चलो इसको देना, इसका भी फैटी लीवर। मैं ये कह रहा हूँ हर्निया, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, इसका कोई इलाज नहीं, पूरी दुनिया में सब लोग कहते हैं ठीक नहीं होता,
एक बार रुको, कुछ कह रहे थे। हाँ जी मीना ज्योत्सना जी, स्वामी जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं से जुड़ा ये सवाल है। हमने देखा है कि कई लोगों की नाभि उभर जाती है लेकिन उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती, खासकर प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में ऐसा देखा जाता है, तो क्या इसे इग्नोर करना चाहिए? क्या इससे कोई परेशानी, अगर कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो इग्नोर करना चाहिए या फिर इसका इलाज कराना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। देखो, एक तो आंत की झिल्ली, आंत की नेट, वो थोड़ी कमजोर थी, अंदर से बच्चे का प्रेशर, तो उससे थोड़ी सी नाभि बाहर आ सकती है, इसलिए सामान्य रूप से तो इग्नोर करना चाहिए। बाकी पेट के ऊपर मिट्टी की पट्टी रखनी चाहिए हल्का सा, जिससे कि ज़्यादा बाहर ना आए, और उनको थोड़ा सा अनुलोम विलोम करना चाहिए, और ज़्यादा कभी कष्ट हो जाए तो श्वास को बाहर छोड़ के और पेट को अंदर खींच लिया थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अंदर खींच लिया, और नाभि के ऊपर थोड़ा सा ये मिट्टी पट्टी लगा ली, मिट्टी में थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा हल्दी लगा ली, अथवा नाभि के ऊपर हींग लगा लिया। बाकी जो है प्रेग्नेंट लेडीज भी आराम आराम से, ये देखो ये मरकटासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये सब कर सकती है। तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, आंतों की कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, ये एक के बाद दूसरी पेट की अर्थात लीवर की और आंतों की समस्याएं, और मैं यह रोज लोगों के लाइव एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। तेरे को कब से था फैटी लीवर बेटा? 2017 से मेरे को फैटी लीवर है और मेरे को शुगर भी है और हैवी कॉन्स्टिपेशन है। अब क्या हाल है? अभी पिछले दो साल से मेरे को योग करा रहे हैं हमारे ब्यावर में, तुलसाराम जी चौधरी, ब्रह्मानंद धाम में। तुलसाराम का ही चेला है। करीब 18 जने हमारे वहाँ पे सुबह रोज योग में आते हैं। अब क्या हाल है तेरे पेट का? फर्स्ट क्लास। चलो भाई जोरदार अभिनंदन। चलो अब करो मेरे साथ, ये है अनुभूतियाँ। अब जो पहले मुझसे लोग आस्था टीवी पर सीखते थे, अब इंडिया टीवी पर, तो जो मैं 20 साल में नहीं कर सका, जो 20 साल में अथवा किया, वो पिछले 500 दिनों में इंडिया टीवी देख देख करके अब ऐसे ही कर ले। अब कितना आसान है। अब पवन मुक्तासन भी कराएंगे, उत्तान पादासन भी कराएंगे, सेतु बंधासन, पादागुष्ठ नासास्पर्शासन और हलासन, जी स्वामी, ये सब, और सर्वांगासन, ये सब हरने के लिए ही है। जो जितना कर पाए कर ले और ठीक हो जाए। मतलब शुरुआत तो करनी होगी और इंडिया टीवी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है शुरुआत करने के लिए। और आराम आराम से करें। जिनको हर्निया है ना, वो हड़बड़ाहट में ना करें, जल्दी जल्दी में ना करें, आहिस्ता आहिस्ता, समत्वम योग उचित, धीरज से करें, शांति से करें, और ऐसा करके ना शकुन भी मिलता है, शांति भी मिलती है वैसे भी। जी जी, मैं ये पूछ रही थी कि जिन्हें, जो लोग रोज योगाभ्यास कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे साथ इंडिया टीवी के साथ रोज योगाभ्यास कर रहे हैं और आपके बताए हुए सारे आसन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो चांसेस ये है कि शायद उन्हें कभी हर्निया का ये रोग हो ही ना, उन्हें ये परेशानी कभी सताए ही ना। पक्की बात है कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं, यही तो बात है। प्रिवेंशन, योग प्रिवेंशन भी है, योग बीमारियों का कंट्रोल भी है, बीमारियों का क्योर भी है, योग में जो है इंस्टेंट बेनिफिट भी है और इसमें सस्टेनेबल हेल्थ भी है। इसमें माने आपके आरोग्य के सारे पहलू हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, पलिएशन, सस्टेनेबल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, और क्या क्या नहीं है, पवन मुक्तासन और ये सेतु बंधासन, जबरदस्त है, सर्वांगासन, हलासन, हरने के लिए करवा दें। तो ये एक योग में ना, योग का अर्थ है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, जुड़ना, जिसमें जुड़े हुए, योग का अर्थ है संयोग, जिसमें संयोजित हैं, युजिर योगे युद्ध समाधव, जिसमें सृष्टि के, ब्रह्मांड के, जीवन के सारे शाश्वत सत्यों का समावेश है, वो योग है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।